हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आई विश कि आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो यू नो पर्टिकुलरली मेरे वीडियोस बनाने का मेन पर्पस ये रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि मैम DSSSB की जॉब वैकेंसीज कब आने वाली है। तो आप साइड देखिए, मैंने ये जो थंबनेल लगा रखा है यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन किया गया है कि DSSSB अगर आपको आर्ट टीचर बनना है तो इसमें नंबर ऑफ सीट्स 527 सीट्स हैं। और आर्ट टीचर बनने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए DSSSB में? क्या टेक्निकल आर्ट वाले यहाँ पे एलिजिबल हैं? बिल्कुल नहीं। प्राविधिक कला वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी वन पॉइंट इज दैट कि कौन यहाँ पर एलिजिबल है DSSSB में आर्ट टीचर बनने के लिए। अगर आपकी BFA की डिग्री है, वेल एंड गुड, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने BA कर रखा है तो ऑफकोर्स आपके पास BEd होगा, तो आप ये एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अब सेकेंडरी पॉइंट इज दैट कि सिलेबस क्या होने वाला है मैम, इसकी लास्ट डेट क्या है, फॉर्म कैसे भरे, क्या क्या पेपर्स में पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन वन बाय वन करके मैं आंसर दूंगी। फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि फॉर्म कैसे भरे, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है। तो देखिए, sarkaririzult.com पर जाइएगा, आप अपने से भी अपने लैपटॉप या PC में फॉर्म इजिली फिल कर सकते हैं। DSSSB के पोर्टल पर जाकर के नीचे ड्राइंग टीचर, वहीं से आपको सिलेबस भी मिल जाने वाला है। लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट क्या है, तो फॉर्म फिल करने का जो डेट है वो देखिए स्क्रीन पे मेंशन किया गया है, 8 फरवरी 2024 में फॉर्म फिल किया जाए। फॉर्म की लास्ट डेट है वो 8 मार्च 2024, राइट। अब फॉर्म फिल करने के बाद आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, यहाँ पे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दो पेपर पूछे जाते हैं। तो पेपर फर्स्ट में आपको फोकस करना है, यहाँ पर जो बेसिक अदर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे DSSSB में भी आपके पूछे जाएंगे। और पेपर सेकंड, अगर मैं अपने फाइन आर्ट्स की बात करूँ तो फाइन आर्ट्स में यहाँ पर आपको ऑल ओवर फाइन आर्ट्स के पूरे यूनिट को कवर करना है, क्योंकि DSSSB वालों ने पर्टिकुलरली कोई आपको सिलेबस नहीं दिया है कि मैं यही, जैसे आपको KVS NVS EMRS में सिलेबस मिल जाता है कि बस इतने यूनिट से पूछा जाने वाला है। सेम अगर DSSSB की बात की जाए तो यहाँ पर आपको इंडियन आर्ट, वेस्टर्न आर्ट, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग, आर्किटेक्चर सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अब पर्टिकुलर वन बाय वन यूनिट की बात कर लिया जाए, सपोज करें इंडियन आर्ट में आप क्या पढ़ोगे, तो इंडियन आर्ट में आप प्री हिस्टोरिक एज से स्टार्ट कीजिएगा, प्रागैतिहासिक कला, फिर उसके बाद कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का, इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन वैदिक एज। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आपकी गुफाओं की कला शुरुआत होती है, जितने भी आर्ट पर्पज से इंडियन आर्ट के केव्स हैं, लाइक जोगीमारा, अजंता, बाघ, बादामी, सितनवासा, सिगिरिया, एलिफेंटा और एलोरा। ये पूरा कवर अप करने के बाद फिर आपका मिडल एज का इंडिया में शुरुआत हो जाएगा, जिनको मध्यकाल कहा जाता है। मध्यकाल को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है पूर्व मध्यकाल, दूसरा होता है उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल में आपको पाल शैली पढ़नी होगी, उत्तर मध्यकाल में अपभ्रंश शैली आपको पढ़नी होगी, मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, ये तीन शैलियाँ पैरेलल चल रही होती है। इनके बीच में ही एक और शैली थोड़े दिन बाद स्टार्ट होती है, मतलब ये तीनों शैलियाँ तो 16th to 19th century का था। फिर 17th to 19th century कौन सी शैली आ जाती है, तो ये पहाड़ी शैली। पहाड़ी शैली का भी पर्टिकुलरली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब इनको एंडिंग किया जाता है फिर इंडिया में किसका स्टार्टिंग हो जाता है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा कंपनी शैली, कंपनी शैली के जस्ट बाद स्टार्ट हो जाएगा बंगाल, बंगाल, उसके बाद आधुनिक कला की शुरुआत हो जाएगी, मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट। तो प्रॉपरली फिर ग्रुप पढ़ने होंगे, जैसे यंग तर्कश ग्रुप हो गया, कोलकाता ग्रुप, उसके बाद थर्ड इम्पॉर्टेंट पैग ग्रुप, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, फोर्थ वन इज पैग ग्रुप, के बाद आपको बॉम्बे ग्रुप देखना होगा जो KK हेबर ने जिसका एस्टैब्लिशमेंट किए थे, फिर दिल्ली शिल्पी चक्र, ऐसे जितने सारे यूनिट्स हैं सारे ग्रुप्स इंडिया का आप कवर करेंगे। इंडियन आर्ट आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। फिर आप मूर्तिकला वाला पोर्शन इसी तरह शुरुआत करेंगे, मूर्तिकला में आपको प्राक स्टार्टिंग से देखना होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर प्राक मौर्य काल, मौर्य, सुंग, सातवाहन, कुषाण, गुप्त, प्रतिहार, फिर पाल शैली, और उसके बाद पाल, सेन, चालुक्य, चोल, सारी चीज़ें पढ़ने के बाद होशलेश्वर, ये आपकी मूर्तिकला वाला पोर्शन कवर अप होने के बाद फिर आपको स्थापत्य कला पे फोकस करना होगा। फिर रही बात वेस्टर्न आर्ट की, आप लोग बहुत घबराते हैं ना कि मैम वेस्टर्न आर्ट बहुत मुश्किल है, लिटरली मैं सच बताऊं कि वेस्टर्न आर्ट सबसे ईजी यूनिट्स है।
कवर अप करने के बाद प्रिंट मेकिंग के आर्टिस्ट, प्रिंट मेकिंग के प्रोसेस के बारे में पूछा जाएगा, तो ये भी बहुत मैंडेटरी है। सभी को अच्छे से फोकस कीजिए, और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, अगर आप फ्रेशर हैं, आपको मुश्किल हो रहा है कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ें, किसको छोड़ें, कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, इतना बड़ा ब्रॉड बुक, हज़ार तरह की मार्केट में बुक्स मिलती हैं, तो इतना बुक्स पर फोकस कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन टू द पॉइंट फोकस कीजिए कि उन बुक्स में क्या क्या आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सपोज करें एक कलाकार आप पढ़ रहे हैं 10 पेज का, तो देखिए ये 10 पेज का पढ़ने से बेहतर है कि शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट कलेक्शंस बनाएं। वो इंपॉर्टेंट नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे? एक्सपीरियंस टीचर्स के पास से मिलेंगे, जिनकी बहुत पुरानी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, आप उनसे कन्वे कीजिए, वहाँ से ले लीजिए। और अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, कुछ भी आपको समझ नहीं आता है, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं प्रॉपर हेल्प करूँगी। मेरे इसी चैनल पर आप विजिट कीजिए, A to Z आपको सब कुछ मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट में, और मैं पेड क्लास का बैच भी चलाती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपको प्री से स्टार्ट करना है, प्री टू मॉडर्न और इरा, मतलब आपको कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टैंडर्ड लेवल तक आपको जाना है, तो पूरे टॉपिक्स कवर अप करने से सबसे बेनिफिट्स ये होगा कि आप स्ट्रांग हो जाओगे अपने सब्जेक्ट में। तो प्री हिस्टोरिक से लेकर या फिर फंडामेंटल से लेकर पूरे कंटेम्प्रेरी प्रेजेंट ऑफ आर्ट तक मैं सब कुछ A to Z पूरे यूनिट कवर अप कराऊंगी। तो TGT, PGT, KVS, NVS के साथ UGC NET का भी प्रिपरेशन आप मेरे साथ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।